मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। पापी ग्रह राहु ने किया शनि के नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों का चमकेगा भाग्य, हर काम में मिलेगी सफलता। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को पापी ग्रह माना जाता है। इन छाया ग्रह का असर किसी राशि के जातकों के जीवन में होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में समर्थ रखता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। बता दें कि इस समय राहु मीन राशि में विराजमान है। इसके साथ ही समय समय पर राहु नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। बता दें कि 8 जुलाई को राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। इस नक्षत्र में 16 मार्च 2025 तक रहेंगे। ऐसे में अगले करीब 8 माह देश दुनिया के साथ 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य पड़ेगा। शनि के नक्षत्र में आने से राहु कई गुना अधिक बलशाली हो गए हैं। ऐसे में राहु के साथ साथ शनि का भी प्रभाव हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य पड़ेगा। आइए जानते हैं राहु के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने से किन राशियों को मिलेगा लाभ। राहु का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। इसके साथ ही शनि 11वें और गुरु धन के भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को खूब लाभ मिलने वाला है। अगले 8 महीनों में इस राशि के जातकों का कई लाभ मिलने वाला है। इस राशि का अष्टम भाव सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा क्योंकि राहु के साथ साथ गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। 12वें भाव में राहु के होने से जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनाएंगे। विदेशों से आपको खूब लाभ मिल सकता है। विदेश में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। विदेश से आपको खूब लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही जिन जातकों को विदेश जाने का सपना अचानक पूरा हो सकता है, भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। इसके साथ ही खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं। ये खर्च बेकार में नहीं बल्कि अपने भौतिक सुखों में खर्च होंगे। इसके साथ परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। इस अवधि में निवेश करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने की सपना पूरा हो सकता है। विदेश में भी प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। आध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक होगा। कुंभ राशि, इस राशि में राहु धन के भाव यानी दूसरे भाव में विराजमान है। इसके साथ ही शनि लग्न भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए भी राहु का नक्षत्र परिवर्तन करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस राशि के जातकों आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। इसके साथ ही कर्म भाव एक्टिव रहने के कारण अगले 8 माह इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। करियर के क्षेत्र में आपको पदोन्नत, अच्छा अप्रेजल के साथ मान सम्मान मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।